फ्रेंड्स आप देख रहे हैं सृष्टि केटीवाड़िया चैनल। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है मेरा मिर्च का प्लांट और बहुत अच्छी इसने मुझे हार्वेस्टिंग दी है। तो मुझे लगता है कि अब ये फाइनल हार्वेस्टिंग मैं इसकी कर लूँ और उसके बाद क्या हमें इसके ऊपर ट्रीटमेंट करना चाहिए वो मैं आपको बताऊँगी। इस वाले प्लांट पर तो अभी भी कुछ चिलीज जो हैं वो लगी हुई है, काफ़ी पीछे तक लगी हुई है, ठीक है। और ये देखिए, तो इस वाले प्लांट पर मेरे ख्याल से चिली नहीं है और आप देख सकते हो इस पे से लीव्स जो हैं वो जा चुकी हैं। ये एक ऐसा प्लांट है जिस पर एक भी चिली नहीं है और मेरे दो तीन प्लांट जो हैं, जी नहीं मैं गलत हूँ, इस पर एक चिली लगी हुई है, ये देखिए। तो और भी जो मेरे प्लांट उन पर चिली है तो उस पर मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। तो मेरे ख्याल से बस मुझे हार्वेस्टिंग कर लेनी चाहिए और उसके बाद क्या क्या करेंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए बिना कैमरा ऑफ़ किए हुए सबसे पहले देखिए आप क्या करोगे। सबसे पहले इसकी कटाई छटाई कर दीजिए। देखिए जितनी कटाई छटाई करोगे ना उतना अच्छा है, उतना प्लांट पर दोबारा से न्यू लीव्स आएंगी, न्यू ब्रांचेस आएंगी। तो कटाई छटाई करने से कभी भी डरा मत कीजिए, ठीक है। देखिए इसने पूरे साल हमें, पूरे साल तो मैं नहीं बोलूँगी, इसने मुझे बहुत बार, कितनी बार बताऊँ मुझे खुद ही याद नहीं है, मतलब इसने काफ़ी अच्छी मुझे हार्वेस्टिंग दी है। तो अब इस बेचारे का मुझे लगता है कि थोड़ा सा रेस्टिंग टाइम है, क्यों ना हम इसे थोड़ा आराम करने दें। और जैसे हम रात को आराम करते हैं तो इसको भी तो आराम करने देना चाहिए हमें, क्योंकि इसकी लीव्स जा चुकी है। तो दोबारा से ग्रोथ पर लाने के लिए सबसे पहले इसकी आप कटाई छटाई कीजिए। मिर्च के प्लांट की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से कटाई छटाई कर देंगे। देखिए ये प्लांट अभी सर्वाइव करेगा, मैं एग्जांपल आपको दिखा रही हूँ बिना कैमरा पॉज किए हुए। यहाँ पर आप देखिए ये न्यू लीव्स दिख रही है ना आपको, यहाँ पर भी देखिए ये, यहाँ से तो न्यू लीव्स यहाँ पर आने को ये तैयार है इस प्लांट पर, बट ओवरलोड हो रहा है तो इसी वजह से हमें इसकी कटाई छटाई करनी है। कटाई छटाई करेंगे तभी तो इस पर न्यू ब्रांचेस आएंगी, ठीक है ना। तो इस वाले प्लांट पर भी, और जो मैंने आपको पीछे प्लांट दिखाया है ये मेरा जुगाड़ वाला पॉट है, किसी दिन मैं अपने गार्डन का जुगाड़ आप सबके साथ शेयर करूंगी। और अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आप सबके साथ अपने घर के कुछ जुगाड़ शेयर किए हैं, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ज़रूर देख लेना। और आपको मेरे जुगाड़ कैसे लगे ज़रूर बताना, गार्डन से जुड़े हुए जुगाड़ चाहिए तो कॉमेंट ज़रूर कर देना। तो इसकी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, कटाई छटाई कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको अच्छे से कटाई छटाई कर दी है। इस वाले प्लांट में तो बहुत सारे न्यू लीव्स हैं जिसकी वजह से मैंने इसकी कटाई छटाई थोड़ी लिमिटेड की है, पर दूसरा वाला प्लांट मैं आपको दिखाती हूँ, उसकी मैंने कटाई छटाई ना बहुत अच्छी तरीके से कर दी है। ये देखिए जहाँ इस पर मुझे लग रहा है कि न्यू लीव्स डेवलप हो रही है मैंने वहीं तक छोड़ा है, बाकी कट कर दिया है। और नीचे देखिए इसका पॉट जो मैं बता रही थी, जुगाड़ वाला पॉट है ये, बहुत मोटा है। मेरे ख्याल से ये 8 महीने लगभग हो चुके हैं, 3 प्लांट मैंने लगाए हैं। यहाँ हल्दी लगी हुई है ये देखिए, और ये मिर्च का प्लांट है, और ये मेरा फेवरेट पोई साग है। इसकी गुड़ाई मैंने कर ली है, और इस वाले प्लांट की भी देखिए रूट ही रूट भरी पड़ी है, तो इसकी गुड़ाई भी मैंने अच्छे से कर ली है। मैं क्या करूँगी, ऊपर की इसकी थोड़ी सी मिट्टी निकाल देती हूँ, ठीक है, क्योंकि सब में रूट रूट है तो ये सर्वाइव कहाँ से करेगा, क्योंकि मिट्टी तो है नहीं, खाद तो है नहीं। तो सबसे पहले ऊपर की मिट्टी की लेयर मैं निकाल देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपको दिख रहा होगा क्लियर, मैंने बहुत अच्छी तरीके से इसमें से मिट्टी खाली कर ली है। अब चलिए इसमें खाद वगैरह मैं क्या ऐड करूँगी वो मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर देखिए लगभग 3 पॉट है मेरे, अभी मैं 3 में ही डालूँगी, बाकी मैं बाद में डालूँगी। तो ये वाला हिस्सा जो है ये है मेरा वर्मी कम्पोस्ट, लगभग 4 या 5 मुट्ठी के करीब, और ये है मेरा 7-8 मुट्ठी के करीब काउडंग, ठीक है, गोबर की खाद। तो इसमें और चीज़ हम क्या ऐड करेंगे, देखिए 8-10 दाने मैं इसमें डालूंगी, ज़्यादा हो जाए तो कोई नुकसान नहीं है DAP के। इसके बाद थोड़ी सी काली मिर्च मैं ऐड करूंगी चींटी वगैरह को भगाने के लिए, और हल्दी पाउडर इसमें ऐड करूंगी। हल्दी पाउडर जो होता है एंटीसेप्टिक, जितनी भी एंटी चीज़ें होती है ना वो सब कुछ इसमें होता है, तो ये भी मिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 2 मुट्ठी के करीब अपना, ये देखिए, नीम की खली, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने ले ली हैं, इनको मिक्स कर दूंगी मैं। और आपके पास कुछ एडिशनल चीज़ें हो तो वो भी डाल सकते हो, जैसे बोन मील और पता नहीं क्या क्या आते हैं, स्टोन डस्ट, और ये सारी चीज़ें आप मिक्स कर सकते हो। तो इसमें एक चीज़ मैं फ्री की मैं आपको बताना चाहूँगी, अभी वुड ऐश होती है ना, लकड़ी की राख या कंडे की राख, जो भी हो वो आप इसमें मिक्स कर लेना। और उसके बाद मैंने फ्री का कैल्शियम कैसे बनाते हैं वो भी बताया था, और बनाना पिल जो होता है छिलका, आप उसको सुखा कर उसका भी पीस कर पाउडर बना सकते हो, तो वो भी इसमें मिक्स कर सकते हो, ठीक है। आप सनसॉल जिसके पास जो हो वो सारी चीज़ें डाल सकते हो। तो मेरे पास जो कुछ है मैंने वो डाल लिया है, बाकी अभी सारी चीज़ें मेरे पास ख़त्म हो गई हैं। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स कर लिया है, और जितनी ज़रूरत हो पॉट को, या जितना बड़ा आपका पॉट है उसके हिसाब से डालना। तो यहाँ पर देखिए ऐसे मैंने इसमें ये डाल दिया है, ठीक है।
और इसके ऊपर से एक मिट्टी की लेयर आपको बनानी है, क्योंकि हमने यहाँ से मिट्टी खाली कर दी है तो मिट्टी की लेयर बनानी है। दूसरा पॉट मैं दिखाती हूँ जिसमें मैंने मिट्टी खाली नहीं की है, उसमें क्या करेंगे हम इसको साइड कर देते हैं। तो इस वाले पॉट में देखिए मैं ऊपर से ऐसे अपना खाद ऐड कर दूँगी, ये देखिए, ठीक है। 100-150 ग्राम के करीब, या ज़्यादा से ज़्यादा आप 50 ग्राम के करीब डाल सकते हो, इससे ज़्यादा मत डालना, नहीं तो आपका प्लांट या आपका पॉट ख़राब हो जाएगा, फिर आप शिकायत करोगे आपने क्वांटिटी नहीं बताई, तो आपको इतना डालना है, ठीक है। ये देखिए, इसके बाद आपको दोनों ही पॉट में या जितने भी पॉट में आप कर रहे हो, ये देखिए ड्राई लीव्स अगर कुछ है ना तो उनको पड़े रहने दीजिए, ये जो रूट होती है ना उन सबको ये ठंड लगने से बचाएगा, तो इनको ऐसे ही पड़े रहने दीजिए। ऊपर से थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी मैं इनके ऊपर फिल कर देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें मिट्टी जो है ऊपर से फिल कर दी है, और दूसरा पॉट जो है उसमें आपके सामने ही फिल कर देती हूँ। तो जब भी खाद ऐड करते हो ना, तो या तो उसको गुड़ाई कर दिया करो या फिर ऊपर से मिट्टी फिल कर दिया करो। तो थोड़ी सी जगह ज़रूर छोड़ना, क्योंकि महीने में या डेढ़ महीने के करीब हम इसके अंदर खाद वगैरह ऐड करेंगे, ताकि इसकी ग्रोथ अच्छी आए, और जो भी हमारा फ्रूट का प्लांट है या वेजी का प्लांट है तो उस पर ये सारी चीज़ें आती रहे। आज का वीडियो जो है वो सिर्फ चिली के लिए बता रही हूँ मैं। इस टाइप की कोई पन्नी वगैरह आ जाए तो आप उसको हटा दिया कीजिए, ठीक है। ये वाली जो बच गई है इसे मैं थर्ड वाला जो पॉट है उसमें कर दूँगी। इसके बाद आप क्या करोगे, ये देखिए, ये है हमारा, बहुत महंगा मिलता है मार्केट में, बोतल की तरफ मत जाइए, इसके अंदर जो है वो देखिए, इसमें मैंने भरा है जो हमारा कंपोस्ट करते हैं, हम कंपोस्टिंग करते हैं, उसके नीचे से जो डार्क कलर का लिचड निकलता है ये वो है, इसको मैंने बोतल में स्टोर करके रखा है। इसका जिस दिन मैंने ये वीडियो शूट किया था उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप ज़रूर देख लेना। तो इसी वीडियो में मैं इसका यूज़ भी आपको बता देती हूँ। तो ये देखिए, एक मग मैंने पानी लिया है और अपनी बोतल को हम कर लेते हैं ओपन। तो यहाँ पर देखिए, एक मग मैंने पानी लिया है, मान लीजिए 1 लीटर है, तो 1 लीटर में आप एक ढक्कन के करीब इसको डालना, ज़्यादा मत डालना, ठीक है। वैसे तो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, बट ज़्यादा यूज़ करना भी नुकसानदायक हो सकता है, तो इसीलिए आपको इतना ही डालना है जितना मैं बता रही हूँ। अगर आप बड़ी किसी बकेट में कर रहे हों तो रेशियो आप ध्यान रखिएगा। ये देखिए, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अपना दोनों पॉट जो मैंने अभी आपके सामने रेडी किए हैं उनमें ऐसे डाल देंगे। ज़्यादा मत डालना, जितनी ज़रूरत हो पॉट को उतना ही डालना। तो चलिए, दूसरे वाले में भी मैं साथ के साथ आपको डालकर दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, और बहुत जल्दी इन सब की ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। मैंने 2 दिन पहले वाटरिंग की थी, तो विंटर में ज़्यादा वाटरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि धूप तेज़ नहीं निकलती है तो वाटर जो है वो सूखता नहीं है। तो अगर पॉट की मिट्टी या आपका पॉट सूखा पड़ा है तभी उसमें वाटरिंग करना, नहीं तो मत करना। और यहाँ पर देखिए, इसकी रूट जो है विजिबल हो रही हैं, तो मैं इनको मिट्टी से कवर कर देती हूँ, क्योंकि रूट में अगर पाला जाएगा या ठंड जाएगी तो हमारा प्लांट जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो ये देखिए, लीव्स तो आपको मैंने दिखाई दिए, इस पर छोटी छोटी सी न्यू लीव्स जो हैं वो डेवलप हो रही हैं, तो बहुत जल्दी अपनी ग्रोथ दिखाएगा, और इसका अपडेट मैं बहुत जल्दी आप सबको दिखाऊंगी। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो घंटी का बेल आइकन आता है उसे ऑल पर प्रेस कीजिए, तभी डेली की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचेगी और आप हमारा वीडियो देख सकोगे। इंस्टा पर फॉलो कीजिए, इंस्टा की आईडी सिस्टिकेटिव गार्डन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।